हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले दोस्तों। दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन उस पर भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मग सिंह जी नरेगा और वाटरशेड के संविदा कर्मचारी को संबोधित कर रहे हैं, उनको सुनवाएंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों उससे पहले मैं आप तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि 10,029 पदों पर LDC की भर्ती प्रक्रिया जो शेष रहे 10,029 पद है उन पर संपन्न होगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, मग सिंह जी क्या संबोधित कर रहे हैं। मैं मग सिंह राजभोए पंचायती राज संविदा कर्मचारी संघ राजस्थान एवं वाटरशेड कर्मचारी संघ राजस्थान LDC भर्ती पंचायती राज 2013 जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हमारे साथियों को जिन्होंने 2013 नियुक्ति से वंचित रह गए थे, 19,515 पदों के विपक्ष में इन्होंने 10,000 पद भी 2013 में भरे थे। शेष पदों के लिए भर्ती कराने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे मेरे जो साथी नियुक्ति के पात्र हैं उन सबके परिवार को कोटि कोटि बधाई एवं धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पंचायती राज के आला अधिकारी एवं राजस्थान के गरीबों के मसीहा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत को कोटि कोटि वंदन एवं साधुवाद। वह उप मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री का प्रभार निभा रहे युवा साथी श्रीमान सचिन जी पायलट साहब का भी कोटि कोटि वंदन है, उनको भी आभार। और हमारे संगठन को एवं बेरोजगार साथियों को राह दिखाई एवं हमें सरकार के बीच की कड़ी का काम किया एवं सभी साथियों को नियुक्ति के लिए एक भरोसा दिलाया और सरकार बनने के 2 महीने तक हमारा गाइडेंस करते रहे ऐसे व्यक्ति माननीय मानवेंद्र सिंह जी जसोल जिन्होंने अथक प्रयासों से सरकार की हमारे बीच की कड़ी बन के हमारी इस भर्ती को शुरू कराने में सहयोग किया, उनका भी तमाम संगठनों की तरफ से कोटि कोटि वंदन एवं साधुवाद। इसके साथ ही हमारे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश्वर सिंह जी का भी वंदन एवं जो मीडिया के साथी हैं और ETV एवं जी न्यूज वालों की आभार जिन्होंने हमारा समय समय पर सहयोग किया एवं सरकार तक हमारी बात को पहुंचाया, सबका आभार। लंबे समय से संघर्ष कर रहे साथियों के 10,000 परिवारों में आज उत्साह है क्योंकि नियुक्ति की राह भूल चुके थे एवं मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिया गया 10,000 परिवारों को नौकरी का यह तोहफा है, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे मग सिंह जी और राज पुरोहित जिन्होंने वाटरशेड और मनरेगा कर्मचारी को संबोधित करते हुए सरकार का साधुवाद किया है और सभी को बधाई दी है कि 10,029 जो शेष रहे पदों पर अब जल्द ही भर्ती होगी। दोस्तों मेरे कहने की अब जरूरत न पड़े क्योंकि राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ सबसे पहले आपके संविदा और बेरोजगार छात्र छात्राओं के साथ है। तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे क्या SSR भर्ती होगी या नहीं होगी। तो बने रहिए राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ के साथ।